बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? मैं अमीर का दी, आप साहब खरी ऐसे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, हार आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। इसे दोबारा अगर ब्लॉग शुरू कर दें, शुरू करने तो पहले छोटी जल्द कर दें, जेडे मेरे भैन भाई नवे ने जिन्हें साड़ा नहीं था फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह वा कि मैं गाँव आई हुई हैं अपने निके, तो जैसे कि मेरे भैन भाई पता बड़े भाई के घर, तो हूँ मैं आ रहा अचानक मरियम दे मतलब भी जरा बेटा देखने वास्ते कुछ लोग, तो मैं उन्होंने वास्ते खाना तैयार कर लगी। बाजी कहनी खाना तुम तैयार करो, मैं अब खाना तैयार कर रही हूँ। बाजी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हैगी, तो मैं नाल खाना तैयार कर दी, नाल अपने भैन भाई शेयर कर दी। लसन छिल रही हैं, गोश्त मैं वाश करके रख लिया अच्छे तरीके, गोश्त धो लिया मैं, तो हूँ मैं क्या फटाफट पहले लसन बना ला, फिर मैं प्याज और थोड़े जिने आलू है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े जिने आलू पाने हैं, तो मेहमान भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो लोग ही आ रहे हैं, तो भाजी ने इन्ना बलैलर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मेहमानों वास्ते ही बनाना वा, तो बच्चे इन्ना भी मेरी जरा बड़े भाई दी बेटे या बेटियां वा कोई भी गोश्त इन्ना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्होंने वास्ते सालन बनया प्याज सिर्फ मेहमानों वास्ते ही तैयार करना। वो अपने वास्ते आलू नहीं पाउन लगे विच? नहीं, दाल कहते दाल जी बनी पी दाल ना खावे। अच्छा, कहते दाल ना खावे ये क्या तरह पा लेने हैं, दो के दे चालू जी, लेना होएगा ले लेंगे, ना होया तो ना से। अच्छा हां जी, चलो जी। लसन भी छिल लिया, प्याज भी काट ले, आलू भी मैं काट के रख लिया, हूं इन्हें ना पानी जो वाश कर दी, फिर जाके मैं खाना तैयार कर दी शाम का। मैं हर चीज रेडी कर चुकी हूं, आलू दी लसन प्याज अदरक हर चीज रेडी कर ली है, हूं मैं ऊपर कढ़ाई रख दी है, इधर बैठ के बनानी है अंदर, बाहर सर्दी भी काफी ज्यादा वा, ते आज भी ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, इथे बनानी है अंदर ही, सालन मैं तैयार कर दी है, रोटी जी बाहर तवी से पका लाँगे तो सालन अंदर तैयार हो जाएगा, चूल्हे में अग जलाव फिर बनाव, मैंने बड़ी टेंशन होती चूल्हे अग जला तो मैं इस करके फिर मैं चलो मैं इतने अंदर सिलेंडर से बना लेंगी, पाजी अब सिलेंडर भरा के लैके आया सी, तो मैं चलो मैं इतने बना लेंगी, मैच के ऐड कर दी हाँ, फिर मैं चैड कर दिता वा, जिमें घे गर्म हों वा, फिर ये मैं चौक किया हो प्याज भी ऐड कर दी, तो मैं मशीन च पा के वाहवा, मेरी भैन आपदा ने मेरे आदत पाती है, तो मैं घर भी मशीन में ही प्याज चौक कर देनी, इतने आके भी ना अज मैं ये चौक कर लिया। लो जी, प्याज भी चौक हो चुक वा, कुछ मैं पहले कर लिया, कुछ मैं हूँ कर लिया, घे भी नाल नाल गर्म हो रहा वा, लो जी घे गर्म हो गया, मैं प्याज भी ऐड कर दा, प्याज अच्छे तरीके नाल फ्राई हो जाए, उस तो बाद मैं लसन वगैरह जरा वो ऐड कर दा, प्याज फ्राई होंदे नाल ही मैं सब्ज मिर्च भी ये चीज चौक कर लवा, बजे तो साबत ही हो जांदियां वा, मैं थोड़े कट के कर रही ना, जरा आसानी नाल हो जांदियां, हजे भी तेन औखा लगता वा? नहीं औखा तो नहीं लग रहा, हूं तो मैं माशाला बड़ी ईजली बना लैनी, इन्नी आसान जी चीज तेन मैं सिखा के आई हजे भी तेन औखा लगता, मैं बेबी नीरा ने भी सिखा दिता, हाँ बाजी भी ए बना ली इस तरह ही, इस तरह ही सही गल, भाई मैं हैगा वा ताडे हैगा वा दोनों घर च, मेरे को है नहीं, मैनू या तो तुसी रल के लै दवो, ये बड़ा महंगा आ रहा है, दौरी जो मैं कुट दी लसन सारा भुड़क भुड़क के थले जांदा, प्याज थोड़े थोड़े के ब्राउन हो गए ने, उन्हें दे मैं सब्ज मिर्च भी चौक की तैयार कर दूँ, यार अच्छे तरीके ना जरा फ्राई करा, यह भी मेरे ऐड कर दी, इन अच्छे तरीके ना मिक्स कर लेने, अच्छे तरीके ना इन्हें फ्राई कर लेने, 10 से 15 चार तो 5 मिनट वास्ते मेरी अच्छे तरीके ना फ्राई कर देनी, ताकि ये कोई कमी पेशी होएगी, ये महक जी खुशबू है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर ये मैं चिकन ऐड करूँगी, हूँ मैं प्याज भी सॉरी प्याज करी
ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ अच्छे तरीके नाल इन थोड़ा बरीक करे इस तो कट रही हैं इसे जल्दी तैयार हो जाएगा सालन पछावा पै रही वा आटा भी गुनना रोटी भी बनानी है फिर एक गाँव की थां वा सर्दी इसे बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर मैं लाता से बेची चौक कर लवा ना चौक करके बना ला फिर मैं चौक नहीं करती इसी तरह ही फिर बेची कट लें प्याज वगैरह अच्छे तरीके नाल टमाटर सब्ज मिर्च लहसुन हर चीज अच्छे तरीके नाल फ्राई हो गई है और मैं चिकन ऐड कर दूँ चिकन अच्छे तरीके नाल मिक्स कर दूंगी चिकन अच्छे तरीके नाल फ्राई हो गया हूँ मैं ये नाल ही आलू ऐड कर दूंगी और उस तो बाद मैं ये मिर्च मसाले ऐड करूंगी मिर्च मसाले केड़े ऐड करने हैं सब्ज मिर्च में ज़्यादा पा ली है ये थोड़ी जिनी काली मिर्च पावगी तो थोड़ी जिनी रेड मिर्च पावगी रेड पाव भाजी या ना पाव आला माड़ी थोड़ी जी थोड़ी जी रेड मिर्च मसाले पाउडर मसाले पाने सब तो पहले जिन चाहिए हल्दी और उस तो बाद काली भी पाउनी काली पानी बाजी पीसी पई ना सारी मिक्स कर दूंगी जी मैं थोड़ी जी काली मिर्च बिच ऐड कर दूंगी अच्छे तरीके नाल भुन लेते हैं लो जी अच्छे तरीके नाल भुन गया थोड़ी देर होर भुना देखने तो बहुत प्यारा लगन दिया खुशबू भी बहुत प्यारी बन नहीं आ रही सारी तेरे तक अल्लाह की रहमत खान लगे अच्छा ही हो नहीं नहीं माशाल्लाह मेरी भैन दे हाथ दा सालन पक्का होवे ते कोई चिकन और आलू बांधे है ना नाल होवे तंदूर दी रोटी ते छाना पता की कहंदा हुंदा छाना ये सिफता हुंदियां तेरियां इथे फुफो साजदा को जाके मैं गोश्त भी खा लेना हुंदा वा हां घर नहीं खांदा गोश्त हां कहंदा ओदा पक्या मैं गोश्त खा लेना वा प्यारा लगन दिया ता ही मैं आख्या खुशबू आ रही तू ते क्या पता नहीं मेरी भैन क्यों कह रही तारीफ कर रही है ननान भरजाई है बाजी अपने अगले मेहमान का इंतजाम कर रही है बाजी कह रही है कि और मेहमान आने उन्होंने वास्ते मैं जरा एडवांस तैयारी करके रख लो और मेहमान का इंतजाम कर रही है चिकन साडा आलू और चिकन अच्छे तरीके नाल फ्राई हो गए ने काफी देर लगा के मैं भुनिया वा देखो जल्दा खैर करे कुछ बहुत कहते काफी ज्यादा आ रही है मैनू भी आ रही खैर बहुत प्यारी भुज गया अच्छे तरीके ने मैं हल्का जहा पानी लगा दी कोई कालों में भी कमी पेशी हुई तो अच्छे तरीके नाल गल जाएगा गल जाने के आलू भी तो गोश्त वैसे फ्राई हो ही गया है तो गल ही गया है तो कोई टेंशन नहीं बिल्कुल नरम हो गया नहीं वैसे भी पानी थोड़ा जा गल ज़्यादा हो जाए ना तो फिर ज़्यादा सही लगता वा अच्छा लो जी शोरबा देख लो थोड़ा जा हो पानी फिर होर हाले नहीं नहीं सही है ठीक हो बाजी दिखा लो बाजी देखो भाई देखो जरा ठीक है बस ठीक है खुश रसमी साजा हो जाना ठीक हो गया लो जी ऊपर दिने ढक्कन सब तो पहले मैं ढक्कन दे के ऊपर ये पकता रहे नाल ही मैं जो धोने वाले बर्तन ने कर दिनी हूँ ऐसे धोने वाले बर्तन ने ए वाले धोते हुए ने
डब्बे वगैरह भी चक लैनी है। ये भी उठा लिया मैं। हुण मैं गुन लेनी फटाफट आटा, फिर बाद च बह के रोटी बनाने हैं। रोटी बनाने लगे आटा मैं छान के लिया कनाली च। सालन मेरे बनदे बनदे मैं फटाफट आटा भी गुन ला, फिर आटा थोड़ा जारी गल देर लगेगी, जरा ठहर दे आटे नूं झट लगेगा। नीचे रखा होया चूल्हा, बह के सुबह बच्चा का नाश्ता वगैरह बनानी हूं, कदी कदी खड़े होगा, लेकिन ज्यादातर बह के बनानी कोशिश कर दी नहीं, बह के बनावा। मेहमान भी आन गए, कुछ आटा गुन्या पिया ना। हां जी अपनी खाना शाना बना के रेडी करके बैठिए, सर्दी है नेरे विच बनता नहीं है, जो मर्जी आन ना होना टेंशन। रोटी बना के हाट पाट बंद कर लांगे, सही नी? हां जी हां, रोटी हाट पाट बना के बंद कर लांगे। आटा भी मेरा गुझ गया, बस एक आखिरी मुक्की देनी है। आटा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, हुण रख दे तवी दा बालन। रोटी रुटी भी टाइम नाल बनाने आ, बना के रोटी जिहड़ी हाड़ पाड़ च बंद कर देनी है। धनिया लै के आओ। बुजुर्ग नैन मेरे पिछे आ गया, धनिया लैन आया। मैं हुण धनिया कट लवां जी। माशाल्लाह मैं कट लिया वा धनिया लै के, मैं और बुजुर्ग नैन अंदर जा रहे हैं जी हुण। चलो फिर लो जी, मैं सालन देख लेनी, सालन कितों दी पहुंचया। सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, मैं इहदे च धनिया ऐड कर दिंदी हां। जुल्कन नैन साइड ते हो जाओ, हाँ साइड ते हो जाओ। मेरा बेटा सालन बहुत प्यारा तैयार हो गया, अज मेहमान खाण गए हाथ ही चटते रहेंगे। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, एक गल कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, सुक्का सुक्का सालन बन गया, लास्ट में ग्रेपी ग्रेपी वाला, धनिया भी मैं इहदे च ऐड कर दिता, बहुत प्यारा सालन बन गया। हुण मैं इहदे उपर दिनी ढक्कन। अज ते सालन इस तरह तैयार होया जिवें देग दा सालन पक्या हुंदा। हुण खाणगे ते फिर मतलब याद करनगे कि कैसा सालन बनिया कैसा नहीं। ते जुल्कर नैन भी आके मेरे कोल बैठ गया, जुल्कर नैन भी भूख लगी है, उसी बनाई है जी रोटी। धनिया मेरे च ऐड कर दिता वा, ते मिक्स भी कर दिता वा, सुका सुका ग्रेपी ग्रेपी वाला सालन बन गया। जुल्कर नैन कह रहा मैं लगी भूख, एक मैं जुल्कर नैन विचों निकाल के दिनी हाँ आलू, तो जुल्कर नैन लगी जी भूख, दे देना भाजी आलू। हाँ एक आलू दे देनी जुल्कर नैन, आलू ले लो, रोटी वगैरह देर करके बनाने, ठीक है ना? हाँ आलू देता, रोटी देर करके बना, ठीक हो गया। तो सालन मेरा बिल्कुल तैयार हो गया, ते रोटी भी मैं बनाने दा विच जरूर थोड़ा जिहा विच टोटा पाँदी, लेकिन हुण बाहर दा जिहड़ा सीगा भी थोड़ा सूरज बिल्कुल गरूब हो गया, नेरा हो गया वा, मगरब दी अज़ान होने वाली है। चाहवांगे इजाजत, मिलांगे नैक्सट वीडियो। अगर मेरे प्यार में साडा व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आवे, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में सानू जरूर दस्सो। सानू इजाजत, सुनने दे वास्ते अल्लाह हाफिज़।